वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं लाइव टुडे पर अपना फेवरेट शो मनोरंजन लाइव अपनी होस्ट एंड दोस्त दीपा के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट के मूव करते हैं हमारे आज के आखिरी सेगमेंट की ओर और दिखाते हैं क्या लाए हैं हम अपने आज के मनोरंजन फटाफट पे खास। हमारे मनोरंजन के कैमरे में कैप्चर हुए फिल्म अंदाज से बॉलीवुड में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले फेमस पॉप रॉक और सूफी सिंगर कैलाश खेर, जिन्हें हाल ही नवाजा गया पद्मश्री अवार्ड से और जिसकी सक्सेस पार्टी उन्होंने सेलिब्रेट की अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। इस स्पेशल मौके पर मीडिया से इंटरेक्ट होते हुए कैलाश बोले कि आज का सेलिब्रेशन उन्होंने सभी के लिए किया है। साथ ही उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी में तो हमेशा ही सेलिब्रेशन रहता है, पर इस तरह के कॉन्वेंशनल सेलिब्रेशन वो पहली बार सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो बहुत खुश हैं। साथ ही सेलिब्रेशन से जुड़ी कई बातें भी शेयर की। जो आज का सेलिब्रेशन है आप लोगों के लिए किया है मैंने, और आप लोगों के लिए करने का मतलब ये है कि सीएम सर आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो फिर से हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक कृपया कुछ खाइए और पीजिए प्लीज। आज बस जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो क्या क्या होता है, उमंगे उठती हैं, तरंगे उठती हैं, बावलापन जागता है। वैसा मेरी ज़िंदगी में 24 घंटे सेलिब्रेशन रहता है, तो मैं इस तरह के कन्वेंशनल सेलिब्रेशन ज़्यादातर कर नहीं पाता हूँ। पहली बार कर रहा हूँ तो खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ, और आप लोगों के लिए मैंने ये इवेंट रखा है, इसलिए छोड़ के भागना नहीं। कहीं पता लगा दूसरा असाइनमेंट है, तीसरा असाइनमेंट है। असाइनमेंट करते करते ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन जो जो अचीव करते हैं उसका मज़ा भी लेना है। सो लेट्स लिव विद दीज मोमेंट्स। आइए म्यूज़िक सुनिए, मज़ा कीजिए, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप ज़िंदगी का एक अलग जलवा लेते हैं। ये करत की विद्या है, ये झूठ मूठ की विद्या नहीं है। आइए मज़ा कीजिए। आज बहुत ही गजब का दिन ये इसलिए भी है कि मेरा एक ख्वाब था कि मैं कभी स्टेज के बैक स्टेज पे ना रहूं, स्टेज पे ना रहूं, कभी सामने भी बैठूं। आज वो दिन है, आज गुरदास मान साहब हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, गा रहे हैं थोड़ा, और हम सामने भी बैठेंगे आप लोगों के दरमियान, मज़ा आएगा। इस मौके पर नजर आए राजू श्रीवास्तव, उदित नारायण जैसे बॉलीवुड के कई नामी गिरामी चेहरे। पाकिस्तानी सूफी गायक नुसरत फतेह अली खान से प्रेरणा लेने के बाद कैलाश खेर ने अपने सभी गेस्ट से इंटरेक्ट होते हुए गायकी और अपने करियर से जुड़ी कई बातें शेयर की और एक खूबसूरत माहौल बनाया। मैं यहाँ आया था, हैरानी की बात है, सबके सामने बताता हूँ, आया था यहाँ पर ये सोच के कि अगर कुछ काम नहीं हुआ तो सागर बाबा तो है, उसी में समाप्त कर लेंगे खुद को। क्यों आया था? गंगा घाट से, ऋषिकेश से मैं आया था, दिल्ली में रहते हुए जब बहुत सारे फेलियर्स देखे। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जी, जल्दी से कामयाबी होती नहीं है, पहले बहुत सताता है मेरा दाता, उसके बाद कुछ बात ऐसी होती है कि लाखों में कोई एक हीरा चमक जाता है। तो मेरे ऊपर इतनी कृपा अचानक परमात्मा की हुई कि फिर देखते ही देखते सारी चीज़ें बदल गई। मैं अब आपके सामने हूँ, 10-12 साल पुराना, और अचानक अभी मैंने कुछ अपने ही फ़ोटो देखे, उसमें मैं खुद को ही नहीं पहचान रहा था, उसमें मोटे मोटे गाल, एक में तो तोंद भी थी, तो ये सब काफ़ी मतलब इसका मतलब सीजन्ड हो गया हूँ थोड़ा सा। तो वहीं इस सेलिब्रेशन पार्टी में मौजूद फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने अपने अनोखे अंदाज में वहां मौजूद सभी गेस्ट को अपनी चटपटी बातों से खूब गुदगुदाया। जमीन से जुड़े आदमी हैं, आज भी 250 ग्राम मिट्टी खाते हैं। सो उदित जी कैसे हैं आज? चलिए, हमेशा की तरह अच्छे। सो अच्छा लग रहा है, मजाक मजाक में काफ़ी लोग आ गए, और मेरा तो एक ही फंडा है, जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि बाद में लोग कहें भाई तो रहने दे हम कर लेंगे। कोशिशें कभी नाकामयाब नहीं होती,
कोशिशें कभी नाकाम या नहीं होती, हाँ कभी कभी बेइज्जती हो जाती अगर गलत जगह करो तो। बहुत अच्छी दो तीन हंसी बड़ी अच्छी आ रही है, जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। और इस खास मौके पर देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर नजर आए, जिन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। फ्रेंड्स, इसी के साथ टाइम हो गया शो को वाइंड अप करने का, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि कल फिर होंगे हाजिर लेकर ढेर सारे एंटरटेनिंग न्यूज सिर्फ और सिर्फ आपके अपने मनोरंजन लाइव में। तब तक ले आप रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे कहिए टाटा बाय बाय, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल लाइव टुडे।